दोस्तों, आसिल फार्मिंग टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों कि एक दवाई के बारे में, एक पाउडर के बारे में जो कि बहुत बीमारी में थोड़ा बहुत काम आ जाता है, ठीक है। और ये दवाई आपका घर में रखना ज़रूरी है। जितना सारा लोग, जितना सारा दोस्त मतलब मुर्गी पालन करता है या फार्मिंग करता है बार्ड्स का, तो मतलब कोई भी बार्ड्स के लिए ये पाउडर बहुत सुइटेबल है और जैसे काम का है, ठीक है। बहुत सारा बीमारी का एक ही दवाई में काम कर जाता है दोस्तों। तो कैसे यूज करने से काम आएगा, पूरा मतलब पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हर टॉपिक में आपको मतलब डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। बहुत काम का वीडियो है, बहुत मतलब फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो में आपको, ठीक है। दोस्तों, बात करते हैं इस पाउडर के बारे में पहले, ठीक है। ये पाउडर होता है सिप्लिक्सिन पाउडर, ये लेडिक्सिन कंपनी का आता है, ठीक है। 20 ग्राम रहता है इसका, करीब प्राइस है 80 रुपया प्राइस है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम बात करते हैं कि किस किस बीमारी में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, या एक्चुअली इस पाउडर का मतलब हमको इस पाउडर से क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले आपको बता रहे हैं इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, इसीलिए हम आपको पहले ही बोल दिए हैं कि इस पाउडर में कोई बीमारी का इलाज नहीं है, ठीक है। दोस्तों, आप जान लीजिए, इस पाउडर में किसी भी कोई बीमारी का इलाज नहीं है। मान लेते हैं आपका मुर्गी का सीआरडी हुआ है या कुछ भी बीमारी हुआ है, सर्दी खांसी पूरा हो गया है, तो उसके लिए इसमें कोई इलाज नहीं है आपके लिए। फिर हम क्यों बता रहे हैं कि बहुत सारा बीमारी का काम करेगा, तो यही तो टॉपिक आपका इंटरेस्ट में होने वाला है। तो पहले सुनिए, इस पाउडर सिप्लिक्सिन पाउडर होता है, लिडिक्सिन का आता है। तो जैसे इस पाउडर का मतलब बेनिफिट क्या मिलता है इस पाउडर में, पहले हम बोल रहे हैं। जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं, तो हम अगर किसी बीमारी में मुर्गी को वैक्सीन लगाएंगे, उसका वैक्सीन जैसे रानीखेत का आरटूबी वैक्सीन करते हैं हम लोग, तो अगर उसका आरटूबी हो गया है और हम उसको वैक्सीन मार देते हैं, तो उसमें कुछ काम नहीं करता है, ठीक है, मुर्गी आपका मर जाएगा। तो इसी तरह ये पाउडर भी कुछ इसी मतलब कंपोजिशन में काम करता है, ठीक है। दोस्तों, जब आपका बीमार रहेगा मुर्गी, तो फिर इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन बीमार होने से पहले अगर इस पाउडर को आप खिला सकते हो, तो इसका बहुत सारा बेनिफिट है आपका। मतलब आरटूबी जो वैक्सीन होता है, उसमें तो सिर्फ आरटूबी मतलब रानीखेत बीमारी नहीं होने देगा, लेकिन इस पाउडर का इतना खासियत है दोस्तों कि आरटूबी छोड़िए, कोई भी टू इसमें आपका बीमारी नहीं होने देगा। जैसे मान लेते हैं बरसात का दिन आ रहा है, अभी थोड़ा भीगेगा मुर्गी, चूजा भी भीगेगा इधर उधर, तो थोड़ा बहुत सर्दी खांसी हो जाता है, और सर्दी खांसी होने से वही अगर सर्दी खांसी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम सीआरडी बोलते हैं। बीमारी इसी तरह से ना होता है दोस्तों। तो इस पाउडर को आप अगर मतलब मान लेते हैं बरसा आ रहा है, तो सब जितना सारा आपका फार्म में या आपका घर में जितना सारा मुर्गी है, 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा करके खिला दीजिएगा पानी के साथ या खाने के साथ, तो आपका मुर्गी सर्दी खांसी कुछ होगा ही नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगा। इस पाउडर का काम क्या क्या होता है मुर्गी को, कि मुर्गी का इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं मतलब इसको खिला देते हैं 3-4 दिन, तो मुर्गी का जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है उसको 10 गुना ज़्यादा कर देगा। मान लेते हैं थोड़ा भी अगर भीग लेता है मुर्गा 2-3 दिन, तो उसमें बीमार नहीं होने देगा, वो अपने आप मुर्गी ठीक कर लेगा उस बीमारी का, ठीक है। तो रोग प्रतिरोध क्षमता सबके अंदर होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इंसानियत इंसान के भी होता है, इंसानों को भी होता है, पशु पक्षी बार्ड्स जितने सारे पशु पक्षी है उसमें भी रोग प्रतिरोध क्षमता होता है। तो अगर वो ज़्यादा किसी के पास रहता है, तो उसका बीमारी उतना जल्दी नहीं होता है। तो इस पाउडर का वही काम है दोस्तों कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो 10 गुना ज़्यादा कर देता है मुर्गी को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं बरसात का दिन आ रहा है, तो आप दे दीजिएगा तो आपका टेंशन खत्म, बरसात में कुछ आपका नुकसान नहीं देगा। चिक्स को दे सकते हैं, बड़ा को दे सकते हैं। अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि इसका देना कैसा है, देने कैसा है, कितना देना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ रहता है, फिर भी हम एक बार आप बोल के हम आपको देते हैं। यहाँ लिखा है 300 kg बॉडी वेट इन 20 ग्राम, ठीक है। मतलब मान लेते हैं इसमें दवाई 20 ग्राम है, तो 300 kg बॉडी वेट हम दे सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 ग्राम में 12 kg हो रहा है, आप हिसाब करके देखिएगा, तो 1 ग्राम में 12 kg हो रहा है, मतलब 1 ग्राम हम एक बड़ा एडल्ट मुर्गा या मुर्गी को दे सकते हैं। मान लेते 4 से 5 kg वजन है, 4 kg है, तो 1 ग्राम हम दिन में सुबह शाम दे सकते हैं। तो इस हिसाब से डोज होगा। अगर छोटा चिक्स रहेगा, तो यहाँ लिखा हुआ दोस्तों आप देख लीजिएगा, 300 बर्ड्स को दे सकते हैं 1 से 5 डेज एज का,
3000 बाट, सॉरी 1 से 5 डे एज का 3000 बाट्स को हम दे सकते हैं। जैसे 1 से 5 दिन एज का रहेगा तो 3000 चिक्स को हम डाल सकते हैं ये दवाई, उस हिसाब से आप दे दीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, हम पूरा आपको बता दिए हैं। तो इस दवाई का दोस्तों इतना सारा काम है, देखिए सर्दी नहीं होने देगा, और सर्दी ज़्यादा होगा तो उसी को CRD कहते हैं हम लोग, CRD हो जाएगा। तो बड़ा बीमारी आने से पहले ही अगर इसको दे देते हैं आप लोग तो रोग प्रतिरोध क्षमता मुर्गा को बढ़ा देता है, और उसका आपका CRD नहीं होगा, कुछ बीमारी नहीं होगा। ठीक है, इस दवाई का डिटेल्स में हम इस वीडियो में बात करते हैं, इसीलिए कि बहुत सारा वीडियो में हम इसको दिखाए हैं लेकिन डिटेल्स में बात नहीं किए थे कि क्या काम करता है। ये काम यही करता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा देता है। इसके साथ जो लोग मतलब मुर्गी पालन करता है हम उसको सजेस्ट करेंगे, लास्ट में बोल रहे हैं देखिए कि 3 दवाई आपका घर में रखना है, ये लेडिक्सिन पाउडर और एक हो गया, ये काम होता है क्या कि मुर्गी का इम्यूनिटी सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए, मतलब रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए। उसके बाद आ गया एक ब्रोटोन, ब्रोटोन क्या होता है, ये लिवर टॉनिक है। ठीक है, अब ब्रोटोन का छोड़िए, ब्रोटोन का नहीं मिलेगा तो कोई भी अच्छा कंपनी का लिवर टॉनिक ले लीजिएगा। ठीक है, एक आपको लिवर टॉनिक रखना है, एक आपको पाउडर रखना है ठीक सिप्लिक्सिन, ठीक है, और एक आप मतलब कृमि के लिए रख सकते हो। जैसे कृमि के लिए एल्बेंडाजोल होता है, उसका मेन कॉम्बिनेशन, उसका बहुत सारा कंपनी बनाता है दवाई, लेकिन हम रखते हैं बेंडिकाइन प्लस। इसमें क्या होता है, एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन ओरल सस्पेंशन मिक्स रहता है। ये आइवरमेक्टिन का काम क्या होता है कि आइवरमेक्टिन जो मुर्गी का मान लेते हैं उकुन होता है ना, ढीला जैसे बोलते हैं शरीर में, उसका मतलब नाश करता है। ठीक है, मतलब पेट का कीड़ा भी मर देता है, जैसे बाहर कुछ कीड़ा रहता है पंख में या माथे में, कुछ शरीर में छोटा छोटा कीड़ा रह जाता है ठीक है, तो उस बालों में, तो उसका भी उस कीड़ा का वो भी नाश करता है ये दवाई। मतलब बाहर से लेके अंदर तक ये जितना कीड़ा रहेगा मुर्गी का या किसी भी मतलब पशुओं का वो नाश कर देता है। तो इसका करीब रेट होता है 40 रुपया, 40 रुपया, इसका 80 रुपया, और इसका रेट है लगभग, इसका रेट है दोस्तों, इसका प्राइस है 80 रुपया। ये 3 दवाई रखने से मतलब बहुत सारा, जितना भी फार्मिंग करते हैं 3 दवाई रखना जरूरी होता है। और कब क्या देना चाहिए, जैसे 1.5 महीना 2 महीना बाद आपको गिरमी का दवाई देना चाहिए। मान लेते हैं कि मेरा मुर्गी फार्म में है, ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खाना खाते हैं, तो हम 2.5-3 महीना के बाद भी एक बार दे सकते हैं। जैसे मेरा मुर्गी अगर खुला रहेगा, इधर उधर से मुंह मार के आता है मिट्टी से, इधर उधर से कीड़ा कीट पतंग कीड़ा खाता है, तो उसको महीने में 1.5 महीने में देना जरूरी है। ठीक है, लिवर टॉनिक कब देना है, लिवर टॉनिक मान लेते हैं थोड़ा मात ये हम पाउडर दे दिए हैं, ये तो एंटीबायोटिक है, जैसे इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, उसके बाद हम 2-3 दिन खाने के साथ लिवर टॉनिक दे देते हैं तो बढ़िया काम रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं, इस वीडियो बना था सिप्लिक्सिन पाउडर के लिए। अगला वीडियो भी हम जल्द बनाएंगे, उसमें और एक नया बीमारी के बारे में और नया दवाई के बारे में बनाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसी तरह जानकारी पाने के लिए।